नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। अपन टीवी द्वारा होली के शुभकामना आदान प्रदान, होली संबंध परंपरा पुस्तांतरण होव नहीं सकल पर सरोकार वाला चिंता। स्थानीय तह में पार्टी के प्रभावकारी बनाव, जसपा अध्यक्ष यादव द्वारा कार्यकर्ता के निर्देशन। सर्वोच्च अदालत के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजूरी देव संसदीय सुनवाई समिति द्वारा आह्वान। पिछला 24 घंटा में और 58 गोटे में कोरोना संक्रमण। आ रूस यूक्रेन युद्ध जारी, अपन देशक आकाश में उड़ान में प्रतिबंध लगाव जेलेंस्की द्वारा नेटो संग मांग। समाचार विस्तार से। अपन टेलीविजन अपन रंग कार्यक्रम करित हिंदू सभक महान पावन होली के शुभकामना आदान प्रदान कलक। सोम दिन जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में सहभागी सब एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान कलक। होली के रंग अपन टीवी के संग नाम दिल गेल कार्यक्रम में सहभागी सब होली पावन के अवसर पर गायल जाय वाला जोगीरा लगायत लोकगीत सब लोप हो जा रहा सा चिंता व्यक्त कलक। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री रामस्वरूप यादव, मिथिला के परंपरा आ संस्कृति के बचा रख सबके योगदान आवश्यक रहल बतौलन। वर्ष पहले बजा भूकी नहीं रह, सामाजिक संदेश से, मगर मुदा होली के दिन में कतबो दुश्मनी रहे, प्रत्येक घर में जाके डम्फा बजा कर झाल ढोलक जम्फा परंपरागत साज आवाज से साज से एक दूसर से गला मिलब, तहिया तो एक गिलास दू गिलास के भांग हो। हम पूछलिए ने मेहर साहब के होली वहीना से कि भांगो छे में रंग रंग में भंग तो चाहिए, तकर एक अहाँ के सामाजिक संदेश से एक गहीर प्रभाव पड़े। होली में दुश्मन के ओठाम गेला के बाद या जकरा झगड़ा धन भेल कल परसू भ कतौ ने कतौ झगड़ा मिल जाए, तो ई अहाँ के सामाजिक एकता सामाजिक सद्भाव और एक दोसर से मिलन के समारोह से सांस्कृतिक पर्व छोड़ दो। ऐसा पहले मंत्री यादव जोगीरा गायब का कार्यक्रम के उद्घाटन केने छला। हम अहाँ हमरा भाई एठा बते लोग उपस्थित छी, सब जिम्मेवार व्यक्ति छी, एहि चीज के उत्साहित करे पड़े मिलन के कतौ ने कतौ और एक दोसर से मिलन के समारोह। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सांसद परमेश्वर शाह, नेपाली कांग्रेस धनसा के नवनिर्वाचित सभापति योगेंद्र पजियार आ पूर्व उपसभापति संतोष यादव से हो शुभकामना देने छला। एकर जे मौलिकता छे ओकरा विकृत कर के ए संस्कृति के बचाव से बेसी बदनाम करबे लागल छे, ते द्वारे हम अहाँ हमरा भाई एठा बते लोग उपस्थित छी, सब जिम्मेवार व्यक्ति छी, एहि चीज के उत्साहित करे पड़े और जे एकर मौलिकता छे ओकरा आगामी बढ़ावे पड़े। हम अपने के एगो कार्यक्रम में सुनित रही, तो कार्यक्रम में वास्तव में कहल गेल न है अपने के नया नया लड़का सब रहे, तो ये वो क्वेश्चन चल गेले राम के बाबू के नाम की थे तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन कल के बढ़िया फिल्म के हीरो कहते तो सब कह लगे कोई अमिताभ बच्चन कोई अनिल कपूर, ये नया नया फैशन चल रहा है अपने को, पुराना संस्कृति सब सब कोई वास्तव में बिसर जवाब चाहिए थे, ते द्वारे एहन किस्म के कार्यक्रम कह कर हम सब जे हमरा सबके परंपरागत पर्व सब छे एकरा हम सब अगाड़ी ल जाए के लागी सब कोई मिल कर एकरा संरक्षण करी एकरा अगाड़ी बढ़ाए, ओहिमे हमरा सब कोई के साथ रहे। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस धनुषा के नवनियुक्त सभापति पजियार आ सभापति में पराजित भेल यादव एक दूसर के अबीर लगवित आ गमछा ओढ़ा कर आपसी सद्भाव के संदेश देने छला। हमरा सब के लेल एकटा जे छै महत्वपूर्ण अंग छै होली के जे सबसे महत्वपूर्ण जे छै आईना महत्वपूर्ण। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर तथा अपन टेलीविजन संचालक समिति के अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह, भगवान राम आ सीता त्रेता युग में खेलने
होली के पौराणिक स्थल महोत्तरी के कंचन वन के संरक्षण आ संवर्धन होब जरूरी रहल बतौलनि। आईना महत्वपूर्ण जैसे गाना जो होइ छै से जोगीरा छै, ई जोगीरा अखन लोप भ रहल छै, एकरा जे से हमरा सबके जोगाबक चाही, बचाबक चाही। जोगीरा में जे से बहुत बात छै, ओहिमे भगवान के जे से ऊपर जोगीरा छै, मस्ती के जे से जोगीरा छै, विभिन्न किसिम से जे जोगीरा छै, ओहिमे एकटा संदेश छुपल छै जे राम सीता ई जे जगह छै धार्मिक जगह, जे डोला आबै से पहिले जे छै ई अपने के नजदीक में जे डेस्टिनेशन छै, जहाँ जे ई होली के जे ई अपने के कंचन वन छै ओ जगह के नाम छै, अपने सब जानै छियै, ओकरा होली डेस्टिनेशन के रूप में जे छै आबे वाला काल के समय में विकास करक चाही। माननीय मंत्री जी बैठल छै, नेपाली कांग्रेस के नेता सब बैठल छै, और एहिठाम समाज के जे प्रतिष्ठित व्यक्ति सब बैठल छै, कंचनपुर कंचन वन के होली हेरिटेज के रूप में एकटा जे से होली स्पॉट के रूप में ओकरा विकास करक चाही, जे एकटा धार्मिक दृष्टिकोण से असंख्य लोग डोला में जते जाय वाला व्यक्ति छै, साधु महात्मा जते व्यक्ति सब डोला के पछाड़ी रहै छै, 1.5 लाख 2 लाख सब होली खेलै छै। हमरा सब के जनकपुर के जे बुद्धिजीवी वर्ग छै, जे मंत्री जी छै, समाज के अगुवा व्यक्ति छै, एकटा जे से होली डेस्टिनेशन के रूप में जे कंचन वन के विकास करक चाही, आ ओहिठाम हमरा काठमांडू से जते देश विदेश के जे व्यक्ति सब छै, टूरिस्ट छै, उनका आमंत्रण क के ओहिठाम हमरा सब के कार्यक्रम करक चाही कंचन वन में, जै किसिम से राम और सीता होली खेले छले त ओहि किसिम से ओकरा टूरिस्टिक स्पॉट के रूप में, ओकरा होली हेरिटेज के रूप में ओकरा डेवलप करक चाही, खेलक चाही। तहिना कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि होली में रंग अबीर संगे जोगीरा लगायत गीत संगीत पुस्तांतरण होब नहीं सकल प्रति चिंता व्यक्त कले, परंपरा के लोप होब नहीं देब, प्रदेश सरकार योजना आना परत से हो सुझाव दलन। कोनो योजना है सड़क पंचायत काल में सेहो बनी थली है, सड़क बहुदल काल में सेहो बनले, सड़क संघीयता में सेहो बन रहल थे, मुदा संघीयता के मार्फत से सरकार हमरा लग आयल है, आब स्थानीय सरकार सेहो हमरा सबके लग में है, देखलिए बिना सीता के राम, बिना सीता के राम जनकपुर में, माने क्यों बाजब वाला नहीं थी, क्यों जिया मालूम नहीं, क्यों मरा मालूम नहीं, अपना बारे में यदि नहीं बजबै धियापुता के केना जानकारी हेतै। कार्यक्रम में होली संबंधी गीत नृत्य तथा जोगीरा लगायत गायक तथा कलाकार सब अपन प्रस्तुति देने छल। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, नेपाल रेड क्रॉस संस्था के अध्यक्ष नरेश सिंह, विभिन्न दल के नेता, समाजसेवी, व्यापारी, अपन टेलीविजन संचालक समिति के सदस्य बलराम महतो, नवीन शाह लगायत सहभागी भेल छल। नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कांग्रेस के दिग्गज नेता सब एमाले में आबि रहल दावी कयलनि अछि। जनकपुर धाम में एमाले धनुषा के 7म जिला कमिटी अधिवेशन के समुद्घाटन करैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल बुढ़ेस काल धरि कांग्रेसे में बितौने नेता सब से हो एमाले चुनि रहल आ जल्दीए प्रवेश करबाक दावी कयलनि अछि। अभी हम काल्हि कपिल वस्तु अब 2-3 दिन के बाद पार्टी अध्यक्ष जी जाएंगे, सीनियर नेता सब कांग्रेस रहेगा वही मानेंगे, बस ई स्पिरिट चाहिए। वीरगंज महानगर पालिका के मेयर जो कहे छे बस वही स्पिरिट के साथ में पूरा तराई मधेश के लोग सब जनप्रतिनिधि सब दूसरा पार्टी के लोग सब एमाले के पक्ष में आग रहा है, तै दुआरे हम अपने सबके ये कह चाहे एमाले जनता के पार्टी, संपूर्ण नेपाल के नेतृत्व करे वाला पार्टी, जनता के हित में काम करे वाला पार्टी है। तराई मधेश के विकास नहीं होब धेर देश खुशी या समृद्ध होब नहीं सकवाक बतौ पोखरेल, पार्टी के आदेश अनुसार काज कर नेता कार्यकर्ता के आग्रह कलन। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के परिवर्तन करे पड़ते, अभी हम माओवादी के साथी सब पूर्व माओवादी के साथी सब यही अच्छी हम ये कह चाहे शशि श्रेष्ठ जी वो जे राज्य व्यवस्था समिति के सभापति वो अध्यादेश के रोक के लिए अनेक बहानाबाजी कल गई, वो विधेयक आगा आव नहीं दिल गई, हम सब ये चाहे यहाँ सब क्या एश्योर कर चाहे सुनिश्चित कर चाहे तराई मधेश के जनता के जे नागरिकता के समस्या है वो चीज के अविलंब हल करे पड़ते,
केपी ओली जी जे अध्यादेश लेल गई वही अध्यादेश। कार्यक्रम में एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ तराई मधेश और हिमाल पहाड़ में एमाले के लहर रहल बतौलने देश के विकास एमाले के नेतृत्व में मात संभव रहल देख कर कम्युनिस्ट के नाम समेत सुनना नहीं चाह वाला हरेक क्षेत्र आ भूगोल में एमाले के क्रेज बढ़त जा रहल हुनक तर्क है। सबके पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के धनुषा जिला कमेटी के सातम जिला अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहा अध्यक्ष उप सचिव लायक संपूर्ण पदाधिकारी कॉमरेड साहब प्रदेश कमेटी के संपूर्ण सदस्य एमाले क्रियाशील भेले तहिया से आइ तक आइ नेकपा एमाले जै स्थिति में छली 2074 के अगाड़ी आइ वही स्थिति में आकर पुनः अ देश के तराई पहाड़ हिमाल प्रत्येक जगह आ यहाँ देखे तो नेकपा एमाले के कार्यकर्ता मात्र नहीं नेता मात्र नहीं आ जनता से आप उत्साहित पार्टी के भविष्य। कार्यक्रम में नेत्री जूली महतो ज्वाला शाह नेता सब रामचंद्र मंडल राजकिशोर यादव गंगाराम यादव सहित के उपस्थिति छल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव स्थानीय तह में पार्टी के प्रभावकारी बनाब महत्वपूर्ण भूमिका खेल नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन सोम दिन बैसल पार्टी के केंद्रीय कमेटी बैठक के दोसर दिन पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के स्थानीय तह में प्रभावकारी बनाब महत्वपूर्ण भूमिका खेल निर्देशन देने छला। ओ प्रत्येक केंद्रीय सदस्य के अपन कार्य क्षेत्र में उपस्थित भ कर आगामी स्थानीय निर्वाचन में पार्टी के जिताब अभियान शुरू कर लाग बतौलन। ओ गाम नगर वार्ड लगात पार्टी के विभिन्न तह संग समन्वय करत पार्टी के और प्रभावकारी बनाब में जोर दिलन। एउटा पालिका नगर महानगर कमती में निर्वाचन अभियंता को रूप में निर्वाचन अभियान संचालन करना त्यहाँ रहने भएका संघीय परिषद का साथी प्रदेश का साथी जिला का साथी गाँव नगर वडा लगायत का विभिन्न पार्टी का अंग तह में काम करने साथी समन्वय कर अभियान चलाई भाई मैं जो लगता प्रत्येक पालिका में हम प्रभावकारी होने जिम्मा लिखे पालिका पार्टी के केंद्रीय समिति के बैठक में आगामी विधान अधिवेशन के तैयारी के विषय में सेहो विमर्श हेबाक बताओल गेल अछि। बीरगंज महानगर पालिका के मेयर विजय सराबगी जनता समाजवादी पार्टी में अपना ऊपर दुर्व्यवहार भेला से एमाले में प्रवेश करय पड़ल बतौलन अछि। मेयर सराबगी अपना जनता समाजवादी पार्टी के महानगर में जितौलो पर पार्टी भीतर दुर्व्यवहार भेला से पार्टी परित्याग करत एमाले प्रवेश केने बतौलन अछि। विगत में अपना जसपा छोड़ दू बेर राजीनामा देलो पर अध्यक्ष उपेंद्र यादव रोकने बतौलन अछि। अपना सामाजिक रूप में मानमर्दन कर के काज नहीं रोकल गेला से अपना के नया पार्टी चुन के बाध्यता भेल स्पष्ट कलन। जो डेवलपमेंट हमें खोजी राखे थे जो एकदम पार्सलिटी करें संघ सरकार हो तेती बेला का कहीं मधेश में लगानी नहीं करने र 18-20 वर्ष को दौरान में जन लगे यो पूरे पूर्ण रूप में मैं महानगरपालिका जिताएर भी र पूरे पर्सा जिला जिताएर भी जो ढंग ने मतलब पार्टी मैं राख्नु पर्थ्यो किन म त राजनीतिक पृष्ठभूमि आएको थिएन म आर्थिक र भनौं नि सामाजिक पृष्ठभूमि आएको व्यक्ति थिए जनताले मलाई माया गरेर त्यति बेला मेयर में चुनाव पनि जिताए र त्यसपछि जुन पार्टीले जुन ढंगले मलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो जुन ढंगले मलाई राख्नु पर्थ्यो नराख्न सकेको कारणले गर्दा दुई-दुई पटक मैले भनौं नि इस्तीफा पनि दिए र इस्तीफा दिँदा दिँदै पनि हाम्रो माननीय अध्यक्षजीले उपेन्द्र यादवजीले त्यति बेला पनि मलाई रोक्ने प्रयास धेरै गर्नुभयो म रोके पनि आफूलाई तर यो लगातार मसँग दुर्व्यवहारहरू हुने सामाजिक रूप में मैं जैसे भी एक प्रकार के मानमर्दन करने जो काम भईराखे थे मैं अध्यक्षजी पैले भी भनी सकता थे कि मैं ये पार्टी में बस्दन यो ढंग ने रो कारण मैं एउटा नया पार्टी रोजे नया पार्टी रोजने बेला में मेयर सराबगी एमाले अध्यक्ष केपी ओली के राष्ट्रीय भावना आ हुनक विकास प्रति के चाहना से प्रेरित भ एमाले चुनने बतौलन। अपना कांग्रेस प्रवेश कर के विकल्प रहलो पर कांग्रेस में जनप्रतिनिधि बन के अवस्था नहीं रहला से कांग्रेस नहीं चुनने बतौलन। एमाले में कोनो पद पावक के लेल शर्त नहीं कैल गेलो बतौलने मेयर कहलाउँछु र आउने दिनहरुमा पनि एमाले मार्फत नै अब मेरो आफ्नो भविष्यको राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउँछु। हेर्नुस् वास्तवमा म जुन एमाले पार्टी प्रवेश गरेको छु पार्टी प्रवेश गर्दाखेरि कुनै निर्वाचनमा पार्टी मेयर के टिकट दक मेयर
बनबाको तैयार रहल बतौलने मेयर के टिकट नहीं देला पर अन्य जिम्मेवारी दिलो पर स्वीकार करब बतौलने। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा एमाले नेता भीम रावल प्रति आक्रोश व्यक्त कलन। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC के विरोध केने प्रति देउवा रावल प्रति आक्रोश व्यक्त कलन। प्रधानमंत्री देउवा मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC नेपाल के हित में रहल अपन धारणा बार बार दोहरौलन। सोम दिन नुआकोट के किसपांग गांव पालिका के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन करत ओ एहन धारणा रखलन। ओ परियोजना के विरोध करवला एमाले नेता भीम रावल अपना मंत्री परिषद में रहित काल परियोजना पास केने लेकिन एखन आबिक विरोध मात्र केने प्रसंग उल्लेख कलन। प्रधानमंत्री देउवा रावल मंत्री भेल समय MCC के प्रक्रिया आगा बढ़ल बेर बेर दोहरौलन। MCC के विषय में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा एमाले नेता भीम रावल ऊपर आक्रोश व्यक्त केला बाद रावल से हो जवाब फिरता केला अछि। एहि विषय में ट्विटर मार्फत जवाब फिरता करैत रावल अपना KP ओली पहिला बेर प्रधानमंत्री होइत काल उप प्रधानमंत्री आ रक्षा मंत्री भेल उल्लेख करैत ओली MCC संके समझौता संसद में अन्य समय नहीं रहल बतौलन। रावल अपना मंत्री भेल समय मंत्रिपरिषद से MCC पारित नहीं भेल बतौलन। MCC समझौता के राष्ट्रघाती प्रावधान के अपना तथ्यगत रूप में सार्वजनिक केला से देउवा आक्रोशित भेल हुनक कहब। रावल देउवा के बहस कर इच्छा रहला पर अपना तैयार रहल बतौलन। मोहन वैद्य नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी आगामी बैसाख 30 गते तोकल गेल स्थानीय तह के निर्वाचन बहिष्कार कर निर्णय कलक। फागुन 25 से 29 गते धर बैसल पार्टी केंद्रीय समिति के बैठक चुनाव बहिष्कार कर निर्णय कलक। बैठक में महासचिव वैद्य वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति आ कार्यभार शीर्षक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश कने छला। ओ प्रस्ताव में स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार कर नीति अवलंबन कैल गेल में बैठक पारित कलक। बैठक से MCC के विरोध करैत अ विरुद्ध सशक्त विरोध तथा भंडाफोड़ सहित राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकता के पक्ष आ समझौता के खारिजी के लेल संघर्ष निरंतर आगा बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन के कार्ययोजना तय कर पार्टी केंद्रीय कमिटी के बैठक बजाब के तैयारी कलक। सोम दिन बैसल पार्टी केंद्रीय कार्यालय बैठक केंद्रीय कमिटी के बैठक से जल्दीए बजेबाक स्थानीय तह निर्वाचन केंद्रित कार्ययोजना बनेबाक विषय में बातचीत भेल। एहि के लेल आवश्यक एजेंडा सब तय कर मंगल दिन 3 बजे पार्टी केंद्रीय सचिवालय के बैठक बजाओल गेल। पार्टी के प्रचार विभाग उप प्रमुख विष्णु रिजाल जानकारी देलन। ओ पार्टी के समग्र पंक्ति के निर्वाचन केंद्रित कराब काज में लागा पार्टी पोलिट ब्यूरो बैठक से हो जल्दी बजेबाक विषय में केंद्रीय कार्यालय बैठक में विमर्श हेबाक बतौलन। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयको बैठक आज महासचिव गणशंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले भोलि 3 बजे आयोजना हुने पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल गरेको छ। हामी अहिले निर्वाचनको तयारीमा छौँ। सातै प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिवृद्धिकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ र छिटै हाम्रो पार्टीका अरू तहका बैठकहरू पनि आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन गइरहेका छौँ। ती कार्ययोजनाको सन्दर्भमा सहित आज केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा छलफल भएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित कक प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न कर चुकल। स्थानीय तह के निर्वाचन आगामी बैसाख 30 गते हैत। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन स्थानीय तह के निर्वाचन में अपने चुनाव चिन्ह हर नहीं दिल गेला पर चुनाव होब नहीं देबाक चेतावनी देलन। सोम दिन बर्दिया में भेल कार्यक्रम में ओ हर चुनाव चिन्ह नहीं पेल स्थिति में चुनाव में अवरोध करबाक चेतावनी देलन। राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेन चुनाव चिन्ह दऽ कऽ द्वंद्व आ मुठभेड़ रोक सरकार आ निर्वाचन आयोग के आग्रह कलन। राष्ट्रीय मान्यता पौने दल बाहेक बाकी दल के उम्मीदवार के निर्वाचन आयोग स्वतंत्र उम्मीदवार मान सकबाक कानूनी व्यवस्था है। ओहन उम्मीदवार के निर्वाचन आयोग से दूसरे चुनाव चिन्ह से हो देल जा सकैए। राजनीतिक दल संबंधी एन में भेल ई व्यवस्था विभेदकारी रहल कहत राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल बाहेक बाकी राजनीतिक दल सब विरोध जना रहल है। हाल नेपाल में नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मात्र राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल रहल है। संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी देवा आह्वान कलक। सोम दिन सिंह दरबार में बैसल समिति के बैठक से सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के पद में न्याय परिषद से आयल विराटनगर के उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भेला पर 10 दिन भीतर दर्ता करा आह्वान कल गेल। समिति के सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण संसदीय सुनवाई के कार्यविधि अनुसार 10 दिन के सूचना जारी कर के निर्णय कल गेल आ 10 दिन बाद समिति के बैठक में सुनवाई के काज प्रारंभ होबाक बतौलन। ओ ई सूचना सर्वसाधारण लगायत सब सरोकार वाला के लिए जारी कल गेल बतौलन। न्याय परिषद द्वारा विराटनगर का उच्च अदालत का मुख्य न्यायाधीश
तिल प्रसाद श्रेष्ठ जी को नाम सिफारिश भएर आएको छ। त्यसैको लागि आज प्रथम बैठक बखे बस्या हो। प्रथम बैठक में हामीले कार्यविधि अनुसार संसदीय सुनवाई को कार्यविधि अनुसार 10 दिन को सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ जनरल पब्लिक लगायत सरकारवालाहरूसँग। त्यो सूचना जारी गर्ने आज हामीले निर्णय गर्यौँ। अब भोलिदेखि सूचना जान्छ र 10 दिन भित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्छौँ। सभापतिकरण मंगल सँ उक्त सूचना सरकार वाला निकाय या आम नागरिक सब में जेबाक बतौलक महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा उपत्यका के विभिन्न स्थान सँ हरायल 21 टा सवारी साधन पता करित संबंधित ध्वनि के हस्तांतरण कलक अछि। सोमदिन महाशाखा में कार्यक्रम के आयोजना करित महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक उमेश राज जोशी विभिन्न कंपनी के 16 टा मोटरसाइकिल आ 5 टा स्कूटर संबंधित व्यक्ति के हस्तांतरण कलने। एक महीना के अवधि में खोजी करित उपत्यका के विभिन्न स्थान में इस सवारी सब भेटल महाशाखा प्रमुख जोशी बतौलने। सीसीटिभीको धेरै म भूमिका छ। अब सीसीटिभीको कुराहरू भए लामो समयमा आफूले राख्दाखेरि पनि डिसलक विग लक साइरनहरू विभिन्न खालका डिभाइसहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो प्रयोग भएको हुँदैन, कहीँ लक पनि लागेको हुँदैन। त्यो के महाशाखा 2 महिनाको अवधिमा 88 टा मोटरसाइकल पता करेत संबंधित व्यक्ति के जिम्मा लगा चुकल बताने तो 256 टा मोटरसाइकिल हरायल निवेदन पड़ल जानकारी दिलक। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भुसाल विद्युत के आंतरिक खपत वृद्धि कर सरकार आवश्यक काज आगा बढ़ौने बतौलने। सोमदिन ललितपुर में आयोजित जल विद्युत परियोजना बाढ़ी पूर्व सूचना प्रणाली को व्यवस्था तथा स्थानीय निकायसंग को सहकारी र समन्वय ई विषय कार्यक्रम के संबोधन करेत मंत्री भुसाल विद्युत के आंतरिक खपत वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक कदम आगा बढ़ा रहा बतौलने। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दक्षिण एशिया के केंद्र बन जा रहा बतबैत जल विद्युत आयोजना सबके निर्माण के काज उत्साहित रूप में आगा बढ़ल बतौलने। सरकार सन 2028 धरि 15,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन कर के लक्ष्य के काज कर रहा बतौलने। व्यवस्थापन विश्वसनीय बनाउन सरकारले आवश्यक कदम पनि अगाडि बढाइराखेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा नवीकरणीय ऊर्जा विश्वकै लागि अपरिहार्य आवश्यकता रहेको हामीले देखेका छौँ। छिमेकी राष्ट्रका साथ समग्र दक्षिण एसियाकै लागि पनि नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भुसाल देश के अर्थतंत्र जल विद्युत के केंद्र में रहल बतौल गए। देश भीतर के निजी क्षेत्र सब वित्तीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के समेत लगानी विद्युत में रहला से ई लगानी के जोखिम में पारा नहीं हैत बतौलने। उपभोक्ता हक अधिकार के क्षेत्र में काज करते आयल 7 टा उपभोक्ता संस्था सब एकजुट भक आगा बढ़ जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पारित सोमदिन 7 संस्था सब काठमांडू में संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन करित विगत में भेल कमजोरी के रखत 7 उपभोक्ता अधिकार संस्था सब एकजुट भक आगा बढ़वा प्रतिबद्धता जनौलक। कार्यक्रम में उपभोक्ता हित संरक्षण मंच, उपभोक्ता अधिकार अनुसंधान मंच, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता मंच नेपाल, नेपाल उपभोक्ता महिला बाल बालिका लगायत के संस्था सब उपभोक्ता के हक हित के लिए एक भक काज करवाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलक। ओ एक दोसर पर अनावश्यक आरोप लगाबे के प्रवृत्ति रहल कहे तत्काले सहकार्य कर नहीं सकबाक बताओल गेल। तहिना उपभोक्ता अधिकार अनुसंधान मंच के अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हा उपभोक्ता अधिकार के लिए काज करे वाला 7 संस्था अकेले अकेले चलला पर अभियान सफल नहीं भेला से एकजुट होबे के विकल्प नहीं रहल बतौलक। उपभोक्ता अधिकार कर्मी सब जनता मूल्य वृद्धि के मार में पड़ल अवस्था में समेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री बनाब नहीं सकनाई
दुखद रहल बतौलक ओसब उपभोक्ता अदालत स्थापना के लिए सरकार व्यवस्था कर बतौलक। कोरोना संक्रमण के कारण जान गुमा वाला की संख्या शून्य रहल नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,950 रहल पिछला 24 घंटा में 58 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3,539 पीसीआर परीक्षण में 50 आ 1,879 एंटीजन परीक्षण में 8 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 148 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 4,819 सक्रिय संक्रमित 9,61,218 गोटे ठीक हो चुकल। तहिना मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में एक गोटा संक्रमित नहीं भेटल। मध्येश में एखन कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 41,394 पहुंचल। मध्येश में कोरोना से जान गुमा वाला के संख्या 1,062 पहुंचल। तहिना 40,070 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन 262 गोटे सक्रिय संक्रमित। राजनेता बीपी कोइराला के विषय में राजद्रोही राजनेता नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण भेल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नेपाल के प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला अपना ऊपर लागल 8 राजद्रोह संबंधी मुद्दा के परवाह नहीं करते स्वदेश फिरता आयल आ जनमत संग्रह के घोषणा भेल बात उल्लेख कयल गेल। डॉक्यूमेंट्री देखला बाद संचारकर्मी संग बातचीत करैत नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल दक्षिण एशिया में भारत सोवियत गठबंधन लगाए छोट देश सबके खतरा पैदा करत अवस्था आ जय के कारण नेपाल के मानचित्र परिवर्तन होब के समय में बीपी लेने कदम के प्रशंसा कलन। ओ बीपी के उक्त कदम के नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के साहसिक कदम के रूप में चित्रण कलन। सोवियत गठबंधन ले यो देश का साना मुलुक माथि ठूलो खतरा पैदा गरेको थियो। खतरा मात्र होइन त्यसपछि हाम्रो मानचित्र नै बदलिएर गयो। त्यो खतरा उपस्थित भइरहेको बेलामा नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि जुन ढङ्गले खतराहरू बढ्दै थिए त्यस्तो बेलामा नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर बिपीले जुन प्रकारको कदम त्यति बेला चाल्नुभयो त्यो वास्तवमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति एउटा साहसिक कदम हो। तहिना नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर शशांक कोइराला इतिहास के कालखंड के याद दिया वाला ई डॉक्यूमेंट्री अति उपयोगी रहल बतौलन। ओ ई डॉक्यूमेंट्री के देख कर राजनीतिक व्यक्तित्व सब नेपाल के भविष्य कत जा रहल इस बात बताब सकबाक बतौलन। नेता कोइराला ई हरेक नेपाली के देख वाला डॉक्यूमेंट्री रहल बतौलन। दिशा ठीक हो कि ठीक बात में गई मेरे लिए अत्यंत राम्रो मैं हरेक नेपाली हेर्नु पर्ने राजद्रोही राजनेता के निर्माण संगे अन्य 12 ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री निर्माण कार्य आगा बढ़ाओल गेल बताओल गेल। गोरखा के पालुंगटार में नेपाले में पहिल बेर स्वचालित मशीन से वातावरण मैत्री ईटा उत्पादन शुरू भेल। गोरखा के पालुंगटार में कोरियन कंपनी इन्नो CSR के सहयोग में गोरखा इन्नोटेक कंपनी पहिल बेर स्वचालित मशीन से वातावरण मैत्री ईटा उत्पादन शुरू कलक। कंपनी के संचालक विकास श्रेष्ठ नेपाल में सेहो कोरियन प्रविधि के प्रयोग से बिना आग में नहीं बारत ईटा उत्पादन शुरू भेल बताओल गेल। नेपाल में चिमनी मार्फत ईटा उत्पादन करला से वातावरण प्रदूषित होइत गेला से कमो भेलो पर वातावरण प्रदूषण कम कर के हिसाब से शुरुआत कैल गेल बतौलन। के भन्नु त्यसलाई चाहिँ अब वातावरण सम्बन्धी अलिकति पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो होइन र हामीले चाहिँ त्यो इटा लिएर गइसकेपछि उनीहरूले त भन्छन् यो कलर अलिकति अब पकाएको यो रातो जस्तो त हुँदैन रातो बाटोमा एटलिस्ट रातो त देखिन्छ नै उनीहरूको क्वेसन त रहने नै भयो अब तपाईँको यो रातो भएन के भएन तर स्ट्रेन्थ वाइज हेर्दाखेरि र कम्पनीकै इन्जिनियर रमेश न्यौपाने परीक्षण गरेत काल माइटमे सिमेन्ट आ सोइल स्टेबिलाइजर मिलाक नयाँ प्रविधि मार्फत इँटा उत्पादन कयल गेल बतौलनि। ई इँटा उत्पादन करैत काल 90% माइट बाँकी सिमेन्ट प्रयोग कला जानकारी दिलेन। एउटा बन्डिङको लागि सोइल स्टेबिलाइजर भन्छ जुन हाम्रो कम्पनीले दिने कुराहरू हाम्रो बिजनेस नै त्यही हो त्यो मिक्स गरेर हामी पानीमा घोलेर मिक्स गर्छौँ अनि त्यो मिक्स गरेपछि अत्याधुनिक प्रविधि र अनि अटोमेटिक फुल अटोमेटिक प्रविधिबाट हामी कम्प्याक्ट गरेर बनाएको इँटालाई फुल मिक्स भन्छौँ। खासमा भनेको यस्तो छ सर अब ठ्याक्कै हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मार्केटको हिसाबमा हेर्दा ठ्याक्कै हामी पाकेको नेपालमा सन् 2018 इन्नो CSR इँटा उद्योग स्थापना भेलो पर कोरोना महामारीको कारण उत्पादन गर्न नै सकल लेकिन पछिल्ला 4 महिनामा 10 लाख इँटा बजारमा पठाओल गेल कम्पनी जानकारी दिलक।
नेपाली पत्रकारिता संबंधी अनुसंधान में आधारित पुस्तक ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जर्नलिज्म इन नेपाल प्रकाशित भेल अछि। नेपाल भीतर आ बाहर रहल 21 पत्रकारिता संचार अध्येता सब के लेखन सब के समेट कर तैयार कयल गेल ई पुस्तक बेलायत के ख्याति प्राप्त प्रकाशन गृह राउटलेज प्रकाशित कयलक अछि। नेपाल के पत्रकारिता क्षेत्र विषय में जानय चाहे वाला विश्व के अध्येता सब के लेल ई पुस्तक उपयोगी हेबाक सह प्राध्यापक डॉक्टर कुंदन अरियाल बतौलनि अछि। महत्वपूर्ण घटना पनि हो एउटा, यसले हामी सबैलाई उत्साहित गरेका छ, सबैजना जोडिएकोहरू, यो त एकचोटिले पुग्दैन फेरि गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि छ। अनि अर्को कुरो, पढ्ने सामग्री पनि भेटाएको छ, खास गरी हामी धेरैजसो सामग्री चाहिँ हामीका एउटा समय हो, एउटा चरण हो, अहिलेसम्मको चरणमा चाहिँ हामी धेरैजसो अब जस्तो फोर थ्योरी नेपालको मिडिया इन्डस्ट्री बारेमा जान चाहवलाको लागि पुस्तक उपयोगी हेबाक आम संचार अध्येता लक्ष्मण हुमागाई बतौलनि। नेपाल विज्ञापन बोर्ड के अध्यक्ष समेत रहल हो पुस्तक में नेपाली मीडिया के व्यावसायिक रूप में आगा बढ़ावा आ ओहि में कैल गेल लगानी के ओहिना नहीं जाय देव, जल्दी स्वायत्त नियमनकारी निकाय के जरूरी रहल बात के सेहो बताओल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की फेर से नाटो के अपन देश के आकाश ऊपर उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषणा कर आग्रह कल। राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस किछ समय में नेटो आबद्ध पश्चिमा सैन्य गठबंधन के सदस्य देश पर सेहो निशाना करत कहत उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषणा कर आग्रह कल। यूक्रेन के पोलैंड संघ के सीमाना नजदीके रहला से रूसी क्षेपयास्त्र आक्रमण में 35 गोटे के जान गेला बाद जेलेंस्की फेर से नेटो के उड़ान निषेधित क्षेत्र बनाक रूसी विमान सब के उड़ान रोक आग्रह कल। अही बीच एखन धरि यूक्रेन से भागल 17 लाख से बेसी व्यक्ति पोलैंड पहुंच चुकल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। अपन टीवी द्वारा होली के शुभकामना आदान प्रदान, होली संबद्ध परंपरा पुस्तांतरण होब नहीं सकल पर सरकार वाला चिंतन। स्थानीय तह में पार्टी के प्रभावकारी बनाब, जसपा अध्यक्ष यादव द्वारा कार्यकर्ता के निर्देशन। सर्वोच्च अदालत के लेल प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजूरी देव संसदीय सुनवाई समिति द्वारा आह्वान। पिछला 24 घंटा में थप 58 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। रूस आ यूक्रेन बीच युद्ध जारी, अपन देशक आकाश में उड़ान में प्रतिबंध लगाव राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा नेटो सम्मान। बेस्त अपन न्यूज एखन लैत हुए, अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।